बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़े से पढ़ते हैं कि फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल जो है वो कॉन्स्टेंट की पावर में होता है। वो कांस्टेंट चाहे ए हो, वो कांस्टेंट चाहे वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, जो भी हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, तो ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल जो होता है, यानी जो एक्स होता है या वाई होता है, वो कांस्टेंट की पावर में होता है। इस कॉल्ड जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको ए इसलिए लिया गया कि आपने जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। Suppose that y is equal to a is power x. अब हम इस general exponential function का जो है derivative लेने लगे, इसका derivative क्या होता है, ठीक है। जिस तरह आपने by definition, by first principle, by ab initio method इनसे question solve किए कि जब आप x में small change करते हैं तो आपके पास y में भी change हो जाता है, यानी x में जब delta x add की तो आपके पास y में भी delta y add हो जाएगा। तो y plus delta y is equal to a is power x plus delta x। ये वाला इधर आके माइनस हो गया, तो y की जगह आपने a is power x पुट कर दिया, ठीक है। अब आप a is power x plus delta x को आप लिख सकते हैं a is power x dot a is power delta x। तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो आप इनको ब्रेक करके लिख सकते हैं, मतलब a is power x plus delta x है ना, तो इसको लिख सकते हैं a is power x dot a is power delta x minus a is power x। तो delta y क्या आ जाएगा जी, is equal to a is power x into a की power x, दोनों में से common आ जाएगा, into a की power delta x minus 1 आ जाएगा। अब क्या हुआ जी, dividing by delta x, आपने दोनों तरफ, ये दूसरा step ये है कि आपने delta x पे divide कर दिया। तीसरा step, तो delta x पे दोनों तरफ divide किया, left side पे भी right side पे भी, ठीक है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए इज पावर एक्स इंटू ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स। अब टेकिंग लिमिट हैज डेल्टा एक्स क्लोजेस्ट टू जीरो, दोनों तरफ लिमिट जो है वो डेल्टा एक्स आपने क्लोजेस्ट टू जीरो कर देनी है, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स क्लोजेस्ट टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स क्लोजेस्ट टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स क्लोजेस्ट टू जीरो ए की पावर एक्स, a की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखें जी, dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो a इज पावर एक्स इनटू a की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो राइट साइड में देखें आपके पास, विच इंप्लाइज दैट dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a की पावर एक्स। अब a की पावर x तो अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम डेल्टा x, तो a की पावर x तो हम बाहर ले लेंगे। अगर आ जाएगा जल्दी में डेल्टा x क्लोजेस्ट टू 0, a की पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। एक्सरसाइज 1.4 में हमने एक प्रूफ किया था इस टाइप का, सिंस लिमिट x क्लोजेस्ट टू 0 हो, a की पावर x माइनस 1 ओवर x हो, तो वो log ऑफ a की इक्वल होता है, log of a equal, यानी यहाँ पे जो पावर वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है और जो वेरिएबल क्लोजेस्ट टू जीरो है, वो आपके पास इस तरह से हो तो आपके पास वो log of a equal आ जाता है, यानी ये जिसकी पावर में कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स क्लोजेस्ट टू जीरो है और कांस्टेंट की पावर में है ये वेरिएबल, तो दिस मीन दिस इज इक्वल टू log of a। तो d ओवर dx a इज पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log of a। अब आप ये जान लें कि आपके पास जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो क्या होता है, उसी कांस्टेंट की पावर में वो वेरिएबल और फिर उसी कांस्टेंट का नेचुरल लॉग, ठीक है, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। तो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x। अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है कि आपके पास जो e है, e की पावर में कोई वेरिएबल हो तो उसे हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
आप इसमें भी जस्ट आपने उसी तरह से अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना है, फिर वाई में डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा, फिर अगला स्टेप बिल्कुल वही है इसके भी। तो डेरिवेटिव ऑफ जनरल लॉगरिथम, अब जनरल लॉगरिथम को हम करते हैं जी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इफ ए इक्वल पॉजिटिव है यानी ए ग्रेटर देन 0 दिस मीन के पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू 1, a is not equal to 1 and x is equal to a is power y and the function defined by y is equal to log of a x yani base a ban jayegi iska x aa jayega y idhar aa jayega theek hai and x is positive is called the general logarithm function ye I think logarithm aapne 9th class mein padha hoga aur logarithm banana aapko aata hai ki agar aapke paas इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको आप लॉग की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो फंक्शन को डिफाइन आपने इस तरह से करने का मतलब जो जिसके कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है वो ना तो वन होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है। सपोज दैट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स ठीक है। अब हमने क्या किया जी, हमने x में डेल्टा x ऐड कर दिया, दिस मीन कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x में जब आपने डेल्टा x ऐड किया तो आपके पास y में भी डेल्टा y ऐड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो ये वाला y जो है आपके पास राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a x प्लस डेल्टा x और y की जगह आ जाएगा लॉग ऑफ a x ठीक है। अब देखा जाए तो आपके पास ये क्या होता है log of m minus log of n, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं log of m over n, ये सारा m है ये x सारा n है, तो log of a base दोनों की सेम है, log of a base है, log of a x plus delta x over x ठीक है। तो आपने इन दोनों की बेस सेम थी और log लिखे हुए थे log of a m minus log of a n, तो इसको आप लिख सकते हैं log of a m over n, यानी अगर माइनस में हो तो आप उसको डिवीजन में चेंज कर सकते हैं, अगर प्लस में होता तो आप उसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। अब अगला स्टेप ये है जी कि आपने इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स पर डिवाइड किया तो दिस मीन आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 बाई डेल्टा एक्स लॉग ऑफ ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है जी कि आपने डेल्टा एक्स को 0 कर दिया, limit delta x approaches to 0 delta y by delta x is equal to limit delta x approaches to 0 1 by delta x log of a x plus delta x over x ठीक है। ये इसकी जी लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी जी, जब आप लिमिट अप्रोचेस टू 0 करते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो ये आ जाएगी जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स प्रोसेस टू 0 1 बाई डेल्टा एक्स लॉग ऑफ ए 1 प्लस, अगर आप ये जो x है ये ऊपर वाले दोनों को डिवाइड करता है तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाई x ठीक है। देखें अब आपने क्या किया जी, यहाँ x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तीसरे स्टेप में आपने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक तो जो 1 बाई एक्स है क्योंकि ये डेल्टा एक्स पे इंडिपेंडेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अब ये बन जाएगा जी x ओवर डेल्टा x log of 1 plus delta x over x। हाँ अब हम इसकी पावर बनाने लगे, आपको पता है कि log से पहले जो पावर होती है पहले जो नंबर होता है वो उसके पावर में जा सकते हैं, अब ये x बाई डेल्टा x जो है ये log से पहले था तो आप इसको ये log का रूल है कि पावर जो है वो log के शुरू में आ जाती है, तो आपने क्या किया इसको इसके पावर में ले गए x और डेल्टा x जो थे आपने इसको उठाया और इसकी पावर में ले गए, क्योंकि ये log का रूल है कि आपके पास पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो आपने स्टार्ट में जो है ये पावर थी उसको आप पावर में ले गए ठीक है। dy by dx = 1 by x log of a limit delta x approaches to 0 1 plus delta x over x or x over delta x, आपने ये वाला जो है एक्सरसाइज जो है ना 1.3 उसमें ये पढ़े हैं कि अगर आपके पास इस तरह से हो log x प्लस 0 हो 1 प्लस
एक्स इज पावर 1/x हो, मतलब इसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद हो तो वो ई की इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया जी, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आपके पास ई की इक्वल होती है। तो दिस मीन के ये वाला आपने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया था ताकि आपके पास ताकि आप इसकी पावर बना सकें और आप इसको एंटी लॉगरिथम में चेंज कर सकें। क्योंकि अगर आप इसके पावर में नहीं लेके जाते तो आपका आगे मतलब सॉल्व होना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1/x का आपने बाहर ले लिया और इसका जो रेसिप्रोकल है डेल्टा एक्स बाई एक्स, एक्स बाई डेल्टा एक्स जो बनता है वो आप इसके पावर में लेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो फिर आपके पास ये ई की इक्वल होगा। हम ये देख सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है, सिंस लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 + x = 1/x इक्वल टू ई, सिंस लॉग ऑफ ए बी इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया जी 1/x लॉग ऑफ ए, इस सारे की जगह आ जाएगा ई। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स, मतलब वाई की जगह आपने लॉग ऑफ ए एक्स रख दी जिसका आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/x लॉग ऑफ ए ई हो तो लिखा हुआ राइट साइड पे कि सिंस लॉग ऑफ ए बी हो तो आप उसको नीचे लिखेंगे तो लॉग ऑफ बी ए बन जाएगी, यानी बेस चेंज हो जाएगी। तो अब ये ए ई है तो ये ई ए बन जाएगा। तो अब ये लॉग है जिसकी जो है ना बेस वो ई है, तो वो आपके पास है नेचुरल लॉगरिथम, तो ये होगा जी 1/x लॉग ऑफ ए। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स, यानी बेस ए है वेरिएबल एक्स। ठीक है, इस तरह है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन आपके पास लॉग ऑफ एक्स, इसका भी आपने इसी तरह से करना है जी, आपने एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना है, वाई में डेल्टा वाई ऐड करना है और बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। उसके बाद मतलब वाई इधर के माइनस हो जाएगा, फिर आपने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देना है, फिर आपने लिमिट डेल्टा एक्स बराबर 0 कर देना है, ये आपके पास नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव भी आ जाएगा 1/x। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है कि आपके पास जो नेचुरल लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, इनके डेरिवेटिव आप अच्छे से सीख लें। अगली जो एक्सरसाइज है ना 2.6, वो ज़रा इन पे डिपेंड कर रही है, तो आपको ये आते होंगे तो वो वाला आपके लिए मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।